हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक आइकॉन का एलईडी टीवी है। इसका मॉडल नंबर है IKE50EKS। इसमें प्रॉब्लम है स्टक ऑन लोगों का। जब भी हम टीवी को चालू करते हैं, ये विजडम शेयर के आगे नहीं जाता है। ये प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए हमें इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हो, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये आइकॉन का टीवी है, आप इसका रिमोट भी देख सकते हो। हमने टीवी चालू किया, इसमें विजडम शेयर स्मार्ट क्लाउड टीवी लिख के आ रहा है। इसके आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए हमें इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं कहीं से भी डाउनलोड करके, तो आपका टीवी बंद हो सकता है। ठीक है, अगर आपको इसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमने इस टीवी में आइकॉन टीवी का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में कॉपी किया है। ठीक है, उसके बाद हमने टीवी में लगा दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग स्टार्ट लिख के आ गया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने में मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ही आपका टीवी चालू होगा, अदरवाइज़ वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड एरर दे देगा, या फिर 1-2% सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा और उसके बाद आपका टीवी बंद हो जाएगा। फिर आपको EMCC करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका घर का टीवी है तो आप नॉर्मली मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और आपका मॉडल नंबर मुझे शेयर कीजिए। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या करना पड़ेगा। मैं आपको ईमेल आईडी या फिर टेलीग्राम थ्रू आपको सॉफ्टवेयर शेयर करूंगा और कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको सारी डिटेल्स आपको वीडियो कॉल पर बता सकता हूँ। नॉर्मली कॉल पर बता दूंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, आपको कभी भी गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, 100% होने के बाद हम देखेंगे इसमें टीवी चालू होता है कि नहीं। मैं आपको एक नेक्स्ट क्लिप दिखाता हूँ जब सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने के बाद टीवी सक्सेसफुली चल पड़ा है हमारा। ठीक है, देख सकते हैं आप, मैं एक वीडियो ऐड करने जा रहा हूँ, देखते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर होने के बाद टीवी हमारा कम्प्लीटली चल रहा है, कोई भी अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है कभी भी, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही आपको इंस्टॉल